नैतिक विकास। नैतिक विकास व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। नैतिक विकास कोई जन्मजात नहीं होता या समाज द्वारा निर्मित होता है, जिसे बालक वातावरण के संपर्क में आकर ही नैतिक व्यवहार के बारे में सीखता है। बिल्कुल नैतिक व्यवहार यह कुछ भी नहीं है, यह समाज द्वारा बनाए हुए नियम है जो हमें बचपन से ही बता दिए जाते हैं। हमारे लिए क्या उचित क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। एथिक्स, एथिक्स मतलब कि नियम या कानून। तो जो हमें बचपन से ही नियम बता दिए जाते हैं कि क्या, जैसे कि हमें कुछ कार्य होते हैं उसे करने से मना किया जाता है कि ये नहीं करना है, पाप होगा या गलत होगा या अभिशाप मिलेगा, ठीक है हमें ये काम करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमारे अंदर क्या आती है, एक पवित्रता की भावना जनरेट की जाती है, रेस्पेक्ट करने की, एक दूसरे का आदर करने की जो व्यवहार होता है उन सबको डेवलप किया जाता है, फेयरनेस, बराबरी का, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बचपन से ही विकसित की जाती है और हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। ये सभी नैतिक विकास या फिर नैतिक व्यवहार के अंतर्गत आती है। नैतिक विकास ये समाज द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं, ये समाज द्वारा बनाए हुए उनके जो रीति रिवाज होते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग उचित अनुचित किए गए व्यवहार होते हैं, नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आइए जानते हैं नैतिक विकास के बारे में। फ्रेंड्स, नैतिक विकास की अब जरूरत क्यों पड़ती है, क्वेश्चन ये उठता है, आखिर नैतिक विकास की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके बावजूद, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर भी हमें नैतिक विकास की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें अपने देश में एक दूसरे की मदद करवानी है, ठीक है, आदर सम्मान ये सारी चीज़ें उनके भावनाओं के अंदर जनरेट करनी है, तो उन्हें नैतिक विकास की शिक्षा देनी आवश्यक है, जिससे कि हमारा देश पवित्रता और साथ ही साथ दयालु, आदर, रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों के साथ चलेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक विकास के चरण। आइए देखते हैं नैतिक विकास का शाब्दिक अर्थ। नैतिक अर्थात मोरल, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोर से हुआ है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज या फिर लोक रीति। वास्तव में नैतिकता का संप्रत्यय एक सापेक्षिक संप्रत्यय है, जिसकी व्याख्या समाज या संस्कृति के संबंध में ही की जा सकती है। प्रत्येक समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियम व कानून बनाए जाते हैं, तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को इन नियमों व कानूनों का पालन करना उसका नैतिक दायित्व होता है। जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों व मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है उसका व्यवहार नैतिक माना जाता है। यदि आप समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं तो उसे हम उसे लोग अनैतिकता के अंतर्गत मानते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं का पालन नहीं करता है उसे या फिर उसके व्यवहार को अनैतिक माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिकता पूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य है या फिर समाज के द्वारा बनाए हुए नियम ही नैतिक कहलाते हैं, ठीक है। नैतिक विकास का अर्थ। साधारण शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं व सामाजिक आदर्शों के अनुरूप किए गए व्यवहार को ही नैतिक व्यवहार कहते हैं। कहने का मतलब है कि समाज के द्वारा बनाए हुए जो नियम, कानून या आदर्श हैं उन सभी के अनुरूप जो आप बिहेव करते हैं वही आपका नैतिक व्यवहार कहलाया जाएगा। हर्लॉक के अनुसार समूह के कोड के अनुसार, समूह के बनाए हुए जो कोड होते हैं या समूह के बनाए हुए जो नियम हैं उसके अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। नैतिक व्यवहार से संबंधित नियमों व मान्यताओं का पालन करना व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता व पवित्रता से संबंधित होता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति नैतिक मूल्यों व आदर्शों को इसलिए नहीं अपनाता है कि वे परंपरागत है या समाज के सारे लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं इसलिए हम भी नैतिक मूल्यों को अपना रहे हैं।
नहीं, बल्कि वह इन मूल्यों और इन आदर्शों को अपनी तर्क व विवेक शक्ति के आधार पर ग्रहण करता है, क्योंकि नैतिकता से संबंधित सभी नियम धार्मिक विश्वासों, नियमों, पवित्रता, आस्था, न्याय तथा सच्चाई पर आधारित होते हैं और सदैव बुद्धि से संबंधित तथा तार्किक होते हैं। ओके, नैतिक विकास के चरण। नैतिक विकास के निम्नलिखित दो चरण हैं। पहला है नैतिक व्यवहार का विकास और दूसरा है नैतिक अवधारणा का विकास। तो आइए जानते हैं नैतिक व्यवहार और नैतिक अवधारणा के बारे में। तो पहला पॉइंट है नैतिक व्यवहार का विकास। समाज के समस्त व्यवहारों को ग्रहण करने में व्यक्तित्व को अनेक वर्ष लगते हैं। इसमें कुछ नैतिक व्यवहारों को वह दंड एवं पुरस्कार के रूप में सीखता है, कुछ को अनुकरण द्वारा सीखता है और कुछ को प्रतिबिंबित चिंतन के माध्यम से सीखता है। समस्त नैतिक व्यवहारों को सिखाने का उद्देश्य बालकों में अनुशासन की भावना विकसित करता है। यदि अनुशासन की धारणा स्पष्ट है तो बालक नैतिक व्यवहार को सफलतापूर्वक सीख लेता है। बालक को सही गलत सिखाना मात्र ही नैतिक व्यवहार का सीखना नहीं है। ईमानदारी के गुण के बारे में अध्ययन करके यह परिणाम निकाला गया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है। जो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि बालक सही निर्णय लेने में संघर्ष की स्थिति से गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि जो नैतिक व्यवहार का विकास है, पहला पॉइंट, यहाँ पे कई बार हमें जो व्यवहार सिखाए जाते हैं वो दंड या पुरस्कार के कारण सिखाए जाते हैं। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो हम दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है, तो वो नैतिक व्यवहार का विकास के अंतर्गत आते हैं। नैतिक व्यवहार को उचित रूप से सिखाने के लिए बालकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। बालकों को विशिष्ट परिस्थिति में सही कार्य करने की कुशलता अर्जित करनी चाहिए। बालक में सही गलत की शुद्ध अवधारणाओं का विकास होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में समान विशेषताओं वाले व्यवहार का अर्जन करना चाहिए। ओके, तो दूसरा पॉइंट है नैतिक अवधारणा का विकास। नैतिक विकास की प्रक्रिया में नैतिक अवधारणा का विकास भी एक आवश्यक पहलू है। जब हम सही गलत की बात करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि यह जो विचार है ये भावात्मक विचार है। भावात्मक अवधारणाओं को ग्रहण करने तथा इसे समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें मानसिक और शारीरिक परिपक्वता में संतुलन बनाए रहना पड़ेगा। अवधारणा के विकास पर बालक की बुद्धि, उसके सामाजिक सांवेगिक विकास, सांस्कृतिक वातावरण एवं उसकी प्रक्रिया से उत्पन्न गुणों का प्रभाव पड़ता है। बालक में निस्वार्थ भावना का विकास स्वार्थ की भावना युक्त आत्म केंद्रियता, सामाजिक केंद्रियता, आज्ञा पालन, धर्म, नैतिकता के नियमों का अनुपालन, सामाजिक अस्वीकृति का भय तथा पारस्परिक अनुक्रिया द्वारा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा नैतिक विकास, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।